हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएससी बाय राहुल पाटीदार का। अब हम वोकैब का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में रूट वर्ड देखे थे, कार्डियो, नेफ्रो, न्यूरो, इनको आप डबल से देख लीजिए। आज हम कुछ रूट वर्ड्स पढ़ेंगे और जो पहले पढ़े थे उनके साथ हम कुछ वोकैब प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, एक वर्ड होता है नेफ्रो, ये प्रीवियस लेक्चर में नहीं पढ़ा था, NEPHRO। नेफ्रो मीन्स होता है रिलेटेड टू किडनी, किडनी से संबंधित, इसको हम कहते हैं नेफ्रो। किडनी से संबंधित कुछ भी हो उसको कहेंगे हम नेफ्रो। एक होता है फ्रेंड ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है लिखा हुआ या लिखना, लिखावट, लिखा हुआ या लिखना। एक रूट वर्ड है कैली, कैली केको, केली का मतलब होता है सुंदर, मतलब इन टर्म्स ऑफ कहें गुड, दिखने में बात करें। केको का मतलब होता है बेट, बुरा, कैली केको। एक है रूट वर्ड फ्रेंड्स क्रोनो, क्रोनो रिलेटेड टू टाइम, समय से संबंधित क्रोनो वर्ड यूज किया जाता है। और एक और रूट वर्ड है जियो, इसका मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी से संबंधित। इन पे आज हम ओके प्रिपेयर करेंगे। नेफ्रो किडनी से संबंधित, ग्राफ लिखा हुआ या लिखना, कैली गुड, केको बैट, क्रोनो टाइम, जियो अर्थ। पहला वर्ड है कार्डियो, हमने पढ़ा था रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हमको पता है फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कार्डियोपैथी, कार्डियोपैथी मतलब हार्ट की डिजीज, लॉजी मतलब होता है स्टडी, हार्ट के बारे में अध्ययन करना उसको बोलेंगे कार्डियोलॉजी। ऐसे ही हम लिख सकते हैं जैसे न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र के बारे में अध्ययन करना, ऐसे ही एंजियोलॉजी, ब्लड वेसल्स के बारे में अध्ययन करना एंजियोलॉजी। ऐसे ही हमारे पास है नेफ्रोलॉजी, स्टडी अबाउट किडनी, इसको बोलेंगे नेफ्रोलॉजी, स्टडी अबाउट किडनी। और जो ये अध्ययन करता है उनको कहेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रो मतलब किडनी, लॉजी मतलब स्टडी, आईएसटी मतलब डूअर। टूअर के लिए फ्रेंड्स हम आईएसटी, आईसी और ईआर तीन वर्ड यूज करते हैं, आईएसटी, आईसी एंड ईआर। ये जो तीनों है ये डूअर को रिप्रेजेंट करते हैं, करने वाला। बाकी हम और भी इनके साथ न्यूरोलॉजिस्ट, एंजियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट ये हम बना लेंगे। नेफ्रो किडनी के बारे में अध्ययन करना, नेफ्रोलॉजी होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के बारे में अध्ययन करने वाला। एक होता है नेफ्रोपैथी, पैथी से भी बन जाएगा नेफ्रोपैथी, पैथी है उपचार, ट्रीटमेंट, किडनी की डिजीज, सॉरी पैथी का यूज यहाँ पे हुआ है डिजीज के रूप में, तो किडनी की डिजीज, डिजीज इनसाइड किडनी, इसको हम कहेंगे नेफ्रोपैथी, किडनी की जो बीमारी होती है उसको कहेंगे नेफ्रोपैथी। कार्डियोलॉजी है, ऐसा होता है कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के बारे में अध्ययन करने वाला। फ्रेंड्स अब हम ग्राफ से प्रिपेयर करते हैं कुछ वोकैब, कार्डियोग्राफ। एक कार्डियोग्राफ होता है, एक
कार्डियोग्राम होता है। कार्डियो मतलब होता है सर हर्ट, अभी हमने पढ़ा। ग्राफ का मतलब लिखा हुआ, जहां पे ग्राफ आए इसका मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात चल रही है। हम देखते हैं इस टाइप की जो लाइनें चलती है, हर्ट बीट को एक रिप्रेजेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट, उसको कहेंगे हम कार्डियोग्राफ। ऐसे होता है कार्डियोग्राम, जो वो इंस्ट्रूमेंट पे चल रहा है उसको एक पेपर पे प्रिंट लेना, उसको हम कहेंगे कार्डियोग्राम। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये एक शीट पे वो प्रिंटेड कॉपी है, इसको हम कहेंगे कार्डियोग्राम। कार्डियोजेनिक, कार्डियोजेनिक हमने फ्रेंड्स पढ़ा है GEN, इसका मतलब होता है जनरेट, उत्पन्न होना। कार्डियोजेनिक, कार्डियो मतलब होता है हर्ट, आईसी मतलब भी वही डूवर के लिए यूज हुआ है, बट यहाँ पे कार्डियोजेनिक और कार्डियोपैथी में थोड़ा अंतर है। हर्ट से उत्पन्न होने वाला उसको कहेंगे कार्डियोजेनिक, जैसे कार्डियोजेनिक शॉक, ये टाइप का एडजेक्टिव है। कार्डियोजेनिक मतलब हर्ट से उत्पन्न होने वाला, जनरेट इनसाइड हर्ट, इसको हम कहेंगे कार्डियोजेनिक या ओरिजिन फ्रॉम हर्ट, हर्ट से जो उत्पन्न होता है उसको हम कहेंगे फ्रेंड्स कार्डियोजेनिक। न्यूरोसिस, और होता है न्यूरोटिक। न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र या ब्रेन, सिस मतलब डिजीज, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र की बीमारी को कहेंगे, या ब्रेन में कोई बीमारी हो जैसे मेंटल इलनेस, पागलपन, इसको हम कहते हैं न्यूरोसिस। और न्यूरोटिक उस व्यक्ति को कहते हैं, उस इंसान को कहते हैं जिसको न्यूरोसिस है, मेंटल इलनेस है। नेफ्रोलॉजी हमने पढ़ लिया, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोपैथी। इसके बाद है ग्राफोलॉजी, लॉजी के बारे में फ्रेंड्स हमने पढ़ा है स्टडी। ग्राफ मतलब लिखावट, जो लिखे हुए का अध्ययन करे, ग्राफोलॉजी लिखे हुए का अध्ययन करने को उसकी स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ राइटिंग, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, इसको हम कहेंगे ग्राफोलॉजी। और ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं जो लिखावट का अध्ययन करते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट का यूज होता है, जैसे मर्डर हो जाता है वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसीज या जो भी जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो राइटिंग को पकड़ने के लिए ग्राफोलॉजिस्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स है कैलीग्राफी, यहाँ पे मैंने एक चीज बताई है आपको, जब भी ग्राफ आए, ग्राफ का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट और ग्राफी मतलब वो रिटर्न, कैलीग्राफी, कैली मतलब सुंदर, अभी हमने पढ़ा था, ग्राफी मतलब लिखावट, मतलब जिसकी सुंदर हैंड राइटिंग हो उसको हम कहेंगे कैलीग्राफी। और जिसकी उस व्यक्ति जिसकी राइटिंग सुंदर हो उसको हम कैलीग्राफर कहेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, कहीं पे ER यूज होता है, कहीं पे IC यूज होता है, कहीं पे IST यूज होता है। ग्राफ के साथ हमेशा ER यूज होगा, लॉजिक के साथ हमेशा IST यूज होगा, ये धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे। कैलीग्राफी सुंदर राइटिंग, और कैलीग्राफर उस वो इंसान जिसकी राइटिंग हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। केकोग्राफी, केको मतलब होता है बेट, ग्राफी मतलब हैंडराइटिंग रिटर्न, जिसकी जो हैंडराइटिंग जो बुरी हो उसको हम कहेंगे केकोग्राफी एंड केकोग्राफर। ग्राफर ER यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब वो डूअर, वो व्यक्ति जिसकी राइटिंग हैंडराइटिंग बुरी हो उसको हम कहेंगे केकोग्राफर। फ्रेंड ध्यान रखना है, इसको हम कैलीग्राफिस्ट नहीं कहेंगे, कैलीग्राफर कहेंगे। ग्राफ के साथ हमेशा ER यूज होता है,
और लॉजी के साथ हमेशा आईएसटी यूज होता है। यहाँ पे है क्रोनो, क्रोनोलॉजी। बेरोमीटर होता है, जैसे ही एक बेरोग्राफ, बेरोग्राफ के बारे में पढ़ना है, क्या है ये? जियोग्राफी एंड बेरोग्राफ। ग्राफ के बारे में अभी मैंने फ्रेंड्स बताया आपको, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे बेरोमीटर में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है। तो बेरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, उसको कहेंगे बेरोग्राफ। जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब यहाँ पे लिखावट, मतलब उसकी संरचना, अर्थ की, पृथ्वी की संरचना का, संरचना को कहेंगे जियोग्राफी। क्रोनोलॉजी फ्रेंड्स, जो क्रोनो, क्रोनोलॉजी नहीं है, क्रोनोग्राफ, टाइम के बारे में अध्ययन नहीं होता है, क्रोनोग्राफ। ये भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट या कहे तो घड़ी, स्टॉप वॉच, उसको हम क्रोनोग्राफ कहते हैं, जो एग्जैक्ट टाइम का एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेशन करता है, उसको हम, मतलब एक्यूरेट टाइम शो करे, स्टॉप वॉच कहेंगे इसको, इसको हम कहेंगे क्रोनोग्राफ। तो फ्रेंड्स, कुछ हम आज हमने नए रूट वर्ड्स के साथ कुछ वोकैब प्रिपेयर किया, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और देखें। थैंक्स।